श्रीगंगानगर भारत पाक सीमा पर मारा गया पाक घुसपैठिया। आपको बता दें शेरपुरा पोस्ट पर बीएसएफ के जवानों ने मारा घुसपैठिया। भारतीय सीमा में घुसने की कर रहा था कोशिश। बीएसएफ ने शव पुलिस को सौंपा और पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। आपको बता दें सुरक्षा एजेंसियां हुई हैं सतर्क। बड़ी जानकारी यहां पर सामने आई है श्रीगंगानगर से, जहां भारत पाक की सीमा पर मारा गया है पाक घुसपैठिया। शेरपुरा पोस्ट पर बीएसएफ के जवानों ने मार गिराया है घुसपैठिए को। भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद बीएसएफ ने शव पुलिस को सौंप दिया और पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई है। बड़ी जानकारी यहां पर श्रीगंगानगर से सामने है, जहां भारत और पाक सीमा पर घुसपैठिया नजर आया, जिसको मार गिराया गया बीएसएफ द्वारा। और दीपक हमारे स्थानीय पत्रकार ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या जानकारी मिल रही है? क्या एक ही घुसपैठिया वहां पर नजर आया था, या ये आशंका जताई जा सकती है कि उसके और भी साथी रहे होंगे, क्योंकि बताया जा रहा है कि सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो गई है? जी आयुष, मैं आपको बता दूं कि बीती रात का ये मामला है। एक 22 वर्षीय पाक युवक शेरपुरा पोस्ट से जीरो लाइन को पार कर भारत की सीमा में प्रवेश कर गया था, और वहीं पर क्या है कि सीमा सुरक्षा बल के जवान गश्त कर रहे थे। गश्त के दौरान उन्होंने उस युवक को ललकारा और रुकने के लिए कहा, मगर पाक युवक लगातार आगे बढ़ता रहा। इस पर बीएसएफ के जवानों ने 8 राउंड फायरिंग कर पाक युवक को मौके पर ही मार गिराया। अभी इसकी सूचना मिलने पर डीआईजी अमित कुमार त्यागी भी मौके पर पहुंचे हैं। अमित कुमार त्यागी ने जानकारी देते हुए बताया कि 10 दिन पूरे पहले भी इसी जगह पर पाकिस्तान की ओर से दो युवकों के पैरों के निशान मिले थे। उसी समय से बीएसएफ के जवान अलर्ट थे और काफी मुस्तैदी के साथ गश्त कर रहे थे। बीती रात भी पाक युवक ने भारत में प्रवेश कर लिया था और उसको ललकारने पर भी जब वह नहीं रुका तो बीएसएफ के जवानों ने उसे मार गिराया। और उच्चाधिकारियों के मौके पहुंचने के बाद पाक युवक के जो शव है उसको अनुगढ़ की मोर्ची में रखवा दिया गया है और आगामी कार्रवाई चल रही है। जी आयुषी। जी बिल्कुल दीपक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बूंदी जिले के हिंडौली एसडीएम के खिलाफ